हाय एवरीवन, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से जो क्लास रिकॉर्ड कर चुके थे वो डिलीट हो गई है। कोई बात नहीं, पर हम वापस से कर लेंगे, हम पढ़ेंगे जरूर। हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आपको चाहिए। मैं बता चुका था लास्ट क्लास में कि ट्रैकियल डायामीटर चाहिए, और आपके जो क्लास शायद अपडेट हो चुकी है वो K4 जेली तक हो चुकी थी। नेक्स्ट बताकर चलिएगा आप लोग कि आप क्या करेंगे। नॉर्मल सलाइन जो है वो नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, किस पर्पज से करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि सक्शन पर्पज इसका होता है, सक्शनिंग के लिए प्रायोरिटी सॉल्यूशन यूज करा जाता है। इसके अलावा हम दूसरी बात कहें कि जो आउटर सरफेस थी उस आउटर सरफेस को भी आप क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए नॉर्मल सलाइन जो है वो नॉर्मल सलाइन काम में लेकर चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो होता है डियर आपका, वो क्या चाहिए आपको, बिटाडीन जो है वो बिटाडीन चाहिएगा। क्यों चाहिए बिटाडीन, तो आप बताकर चलेंगे कि ड्रेसिंग जो है वो ड्रेसिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। चलिएगा बेटा, इतना बता देंगे। इसके बाद में मैंने कह चुका था आप लोगों को कि आप क्या करें, लोकल एनेस्थीसिया जो है वो लोकल एनेस्थीसिया काम में लेकर चलेंगे, जहां पर हम क्या काम में लेते हैं, लिडोकेन जेली जो है वो लिडोकेन काम में लेते हैं, आईडी रूट से दी जाती है। और अगर यहाँ पर दिया गया है 2% जाइलोकेन जेली, क्या दिया गया है 2% जाइलोकेन जेली, तो फिर आप क्या काम में लेकर चलते हैं डियर, तो फिर आप टॉपिकल एजेंट है एक तरीके का, आप सुपरफिशियल स्किन पे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। चलिएगा, इतने इंस्ट्रूमेंट लेकर हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप जो है बाहर वाली जो सरफेस है उसे क्लीन करने के लिए क्या भी काम में लेते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया है कि हम क्या करते हैं H2O2, और वो H2O2 कौन सा होता है डियर, तो आप बताकर चलें कि हाफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में लेते हैं, पर ये सिंगल काम में ना लेकर क्या लेते हैं। मैंने कहा था कि NS+H2O प्रायोरिटी फर्स्ट है, क्यों है, क्योंकि जब आप NS काम में लेते हैं तो सिंगल H2O2 क्या करता है डियर, सिंगल H2O2 जो है आपका वो क्या कर देता है, इरिटेशन जो है वो इरिटेशन कॉज कराता है, म्यूकोसा जो है उसे डैमेज कर सकता है। तो हाफ स्ट्रेंथ वाला आप क्या काम में लेते हैं H2O2 साइट को क्लीन करने के लिए, बट प्रायोरिटी विद NS लेते हैं तो बेहतर होता है। चलिए, इतना आप लोगों ने बता दिया था। फिर मैं आप लोगों को बता चुका था कि क्या लेना है आपको काम में, सक्शन मशीन जो है वो सक्शन मशीन आपको चाहिए। क्यों चाहिए, म्यूकस को क्लीन करने के लिए। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो हम बताकर चल सकते हैं वो क्या बोल सकते हैं कि अगर ऑप्शन में 70% एल्कोहल दिया गया है किसके लिए, सरफेस को क्लीन करने के लिए, तो आप प्रायोरिटी क्या रखेंगे डियर, फिर वहां पे 70% एल्कोहल क्यों रखा है, क्योंकि ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन होता है। चलिए, इतना बताने के बाद में नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि सर इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कैसे, बहुत सिंपल टेक्निक है, विद पोजिशन आर यूज इन द ट्रैकोस्टोमी हांसवर गोज टू रोज पोजिशन, बिकॉज रोज पोजिशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट के बिल्कुल सीधा लेटा देंगे, और सीधा लेटाने के बाद में उसकी गर्दन के नीचे जो है वो सैंड बैग मिट्टी का भरा हुआ थैला रखेंगे, जिससे क्या होगा उसकी जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंडेड होगी, जिससे कि इजीली विजुअलाइजेशन होगा। इसके बाद में आप क्या करें, इसके बाद में आपको साइट का जो है वो सिलेक्शन करना होता है, फिर आप क्या करते हैं उस साइट को क्लीन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं एनेस्थीसिया जो लोकल आप अप्लाई करने वाले हैं, फिर उसके बाद में वहां पर क्या लगाते हैं आप इंसिजन लगाते हैं, इंसिजन के बाद आप क्या करेंगे जो ब्लड आ गया है उस ब्लड को मोपिंग कर देंगे, मोपिंग द ब्लड आप बोल सकते हैं, और ब्लड जब मोपिंग कर देंगे तो उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ट्यूब है आपकी उस ट्यूब को क्या कर देना है इंसर्ट करने के बाद में फिक्स करना होता है। बिफोर द फिक्सेशन आप क्या चेक कर लेंगे प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट चेक करने के लिए आप क्या काम में क्या करते हैं ऑस्कल्टेशन करते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से, और आप उसके बाद क्या कर दे वैसे फिक्स कर दे। फिक्स करने के बाद में मैंने कहा है कि अगर कफ वाली ट्यूब आपने लगाई है तो उसमें क्या करना है 3 से 5 ml एयर भर देना है। मापी किससे जाती है, एनरोइड मैनोमीटर से मापी जाती है, बताया था कि नहीं बताया, प्रेशर कितना है 20 से 25 ml ऑफ Hg होता है। ठीक है, इतनी बार अपन बचा चुका था मैं लास्ट क्लास में, पर ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हो गया है वो डिलीट हो गया है, तो हमने
क्या करा, वापस से क्लास को डाल दी। कोई लोड नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, दो बार देख ले भी क्लास को, टेंशन की बात नहीं है। चलिएगा भाई, इतना जब आप बता देवे, इसके बाद में नेक्स्ट बात ये आती है कि ट्रैकोस्टोमी करने के बाद में सबसे पहली प्रॉब्लम पेशेंट के साथ होती है, और वो प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि पेशेंट क्या हो चुका है, अनएबल टू स्पीक, बोलने में असमर्थ है, बोल नहीं पा रहा। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, नर्स के नाते आप क्या करेंगे, एग्जामिनर ऐसे पूछना चाहता है, आप किस तरीके से उससे कम्युनिकेशन करेंगे, और आप जब कम्युनिकेशन उससे करेंगे तो करने के लिए क्या करें, आप उसे क्या कर देवे, डियर पेन और पेंसिल और पेपर दे देवे, जिससे कि वो जब आपसे बातचीत करें तो बातचीत बड़ी आसानी से हो जाए। क्या हो जावे, बातचीत बड़ी आसानी से हो जावे। देखो ऑप्शन में कॉल बेल भी होगा, और बच्चे कॉल बेल पे ही जाएंगे, भाई कॉल बेल बजा दिया तो नर्सिंग स्टाफ, अरे बेटा आ तो जाएगा, आ जाएगा, समस्या का कैसे पता चलेगा, समस्या का कैसे पता चलेगा किसके साथ में। तो प्रायोरिटी क्या होती है कि पेशेंट को क्या कर देना है, पेन पेंसिल और पेपर दे देने, जिससे कि आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कंडक्ट कर सकते हैं। फिर भी पेशेंट कहता है कि मैं तो बोलना चाहता हूं, तो आप करें, आप गहरी सांस ले लें, अच्छी डीप ब्रीथ ले लें, और स्टोमा पर एक हैंड एक फिंगर टिप करें, और बहुत स्लो बोलें, और सिर्फ एक ही वर्ड, वन वर्ड आप बोलें, क्लियर बात। तो आप ये बात भी उसको क्या करके चले, डियर बताकर चले, चलिएगा। इतनी बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं, और अब नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर ऐसे कह देंगे कि कोई पेशेंट है और मेल और फीमेल है, तो एस्पायरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ट्रैकोस्टोमी ट्यूब जो है, तो एस्पायरेशन से प्रिवेंट करवाने के लिए आप क्या करेंगे डियर, तो हम वहां पर करेंगे 2x2 का गोज पीस काम में लेंगे, जो कि कैसा होगा डियर, ड्राई होगा, जिससे कवर कर देंगे। अगर यहाँ पर एग्जामिनर आपसे कहता है कि मेल पेशेंट है, कौन है, मेल पेशेंट है, तो इस मेल पेशेंट को हम कहेंगे कि जब भी आप सेविंग वगैरह करें तो इन फ्रंट द मिरर करें, ताकि क्या करा जा सके, एस्पायरेशन से प्रिवेंट करा जा सके, बचाया जा सके, ये बात भी हम बोलेंगे। और सबसे बेहतर काम करेंगे हम आपका अपना, और सबसे बेहतर सबसे प्यारा हमारा, हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट उस पेशेंट को दे देंगे। इतनी बात आप बताकर चलिए डियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ट्रैकोस्टोमी, अभी तक मैंने ट्रैकोस्टोमी ही पढ़ाई है, अभी तक इस ट्रैकोस्टोमी में डियर सक्शनिंग जो है वो सक्शनिंग बाकी है, उस सक्शनिंग को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इसमें इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।